जो इम्पोर्टेंट चीजें इस बाइक की ध्यान रखा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, आई होप एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज फाइन। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक का एक ऑनरशिप रिव्यू कि 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरी बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है और मुझे कितने बेनिफिट मिले और कैसी बाइक मेरी परफॉर्म करती थी और क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले जब भी आप कभी राइड पर से आओ ना, तो सबसे पहला काम मैंने, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, कि चेन और स्प्रॉकेट जो होता है उसको पूरा क्लीन करना। जैसा कि मैंने कल पूरा बाइक को क्लीन किया, चेन वगैरह पूरी क्लीन करी, ये वाला पार्ट भी खोल करके मैंने जो छोटा स्प्रॉकेट होता है उसको भी अच्छे से क्लीन करा, काफ़ी गंद निकली भाई। और अभी चेन की कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। बाइक को वॉश करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार आओ हर बार बाइक को वॉश करो, बट चेन को ल्यूब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी कभी आप राइड पर से आते हो तो चेन आपका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अभी मेरी बाइक चल चुकी है 9,785 किलोमीटर और चेन अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है, जबकि 8-9,000 किलोमीटर पर ही आपकी चेन ख़राब हो जाती है, ऐसा कंपनी का कहना है। बट ये काफ़ी अच्छी चलने वाली है, काफ़ी अच्छी अपन केयर करते हैं, ल्यूब वगैरह टाइम टू टाइम करते हैं, चेन टाइटनिंग वगैरह सब कुछ होती रहती है। देन उसी के साथ बाइक इज़ रियली नाइस, मतलब 10,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ ऑलमोस्ट और बाइक में अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसा पावर ड्रॉप भी कहीं नहीं मिलता है। हम लोग सच पास गए अभी और भी काफ़ी सारी राइड्स वगैरह करी है, बट पावर ड्रॉपिंग का कहीं पर भी इशू नहीं आता है, ओवर हीटिंग नहीं होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। बट एक मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी लगती है कि इसकी लाइट इतनी विजिबल नहीं होती है नाइट में, क्योंकि LED लाइट है। फिर इसका जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, वो काफ़ी ऊपर जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा, इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए KTM को। उसी के साथ विंड ब्लास्ट भी भाई बिल्कुल भी नहीं लगता है, वाइब्रेशन भी बिल्कुल कम है, सब कुछ इसके अंदर बहुत अच्छा है। ब्रेक्स आर रियली गुड, ब्रेक अच्छा काम करते हैं, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, सब कुछ अच्छा काम करता है। और मैंने अपनी बाइक में लगा रखा है पीछे टॉप रैक, जिससे कि टॉप बॉक्स वगैरह मैं अपने राइड पर लेकर जा सकता हूँ। जब भी मैं राइड पर जाता हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि ट्रिप मीटर कि कितना हुआ। अभी लास्ट राइड पर मेरी बाइक ने एवरेज निकाला है 32.2 KMPL, भाई 32 का एवरेज निकाल रही है, इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, आप ऑन रोड चला लो या ऑफ रोड चला लो। और अभी बात करते थोड़ा चलते चलते, क्योंकि अभी गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी बहुत लग रही है, आप देख रहे हो पसीना बहुत आ रहा है पर चेहरे पर। तो चलते चलते अभी बात करते क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप KTM 390 एडवेंचर लेने जा रहे हो। देखो बाइक के टॉप फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप इन चार बटनों से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड, सब कुछ यहाँ पर अपना। पावर मोड तो नहीं आता है, बट इसमें ऑफ रोड मोड आता है, स्ट्रीट मोड आता है, दो मोड्स आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ सिंगल टैप यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है बाइक, 12 वोल्ट का यहाँ पर चार्जर अपना मिल जाता है यहाँ पर। दिस इज़ रियली नाइस, दिस पार्ट इज़ रियली नाइस, इससे आप अपने गैजेट भी चार्ज कर सकते हो, जो कि मैं अपने हर राइड में करता हूँ, मतलब GoPro वगैरह ऑन द गो में चार्ज करता रहता हूँ। क्या होता है, इंड्योरो बैटरी जो होती है वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है GoPro की, तो उसके लिए बार बार अपन को चेंज नहीं करना पड़ता। हाईवे पर आप 110-120 चलाओगे ना, तो आपको फील भी नहीं होगा, काफ़ी मज़ा आएगा चलाने में भी। सबसे बेस्ट पार्ट है बाइक का माइलेज, भाई क्या ही माइलेज निकालती है यार, 32-33 का अगर मैं अच्छे से चलाऊँ ना, बिल्कुल मज़े से, बिल्कुल आराम से 34-35 का माइलेज ही निकाल देती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना इस बाइक की ध्यान रखने की, वो है चेन, आपका चेन का बहुत ख्याल रखना होता है। हर 500 किलोमीटर पर इसकी चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो उसको ल्यूब करते रहो, अच्छे से क्लीन करो यार, इसको इतना टाइम देना पड़ता है ना क्लीनिंग के लिए, इसकी चेन बड़ी मुश्किल से क्लीन होती है, मतलब बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है चेन क्लीन करने के लिए। विंड ब्लास्ट इसमें नहीं लगता है ज़्यादा, मिरर्स काफ़ी अच्छे हैं, देखो फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक अपन को मिल जाता है। एक फ्यूल टैंक में अपनी बाइक आराम से 350 किलोमीटर तो ईजिली कवर कर लेती है, पहाड़ों वाले रास्तों में भी। हम लोग थे सच पास टू किलाड़, किलाड़ टू उदयपुर, उदयपुर से मनाली पहुंचने वाले थे, तब तक बाइक ने मतलब पूरा आराम से एक फ्यूल टैंक में चल गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है ना इस बाइक की, वो है क्विक शिफ्टर, जो काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली चीज़ है वो है इसकी चेन, जो कि काफ़ी ढीली हो जाती है, और लाइट्स। इन दो चीज़ों की इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम लगती है कि चेन बहुत जल्दी जल्दी ढीली होती है, लूज़ होती है, और लाइट्स इतनी विजिबल नहीं होती है नाइट में। जब आप नए नए राइड कर रहे हो ना, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है इस बाइक में, सीट। इसकी सीट बहुत हार्ड है भाई, जब तक आपको इसकी हैबिट नहीं लगेगी ना, तब तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी।
और जब हैबिट लग गई आपको तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी लंबा चला लो, हम 500-600 किलोमीटर इजीली इस सीट के ऊपर चला लेते हैं जो कि बहुत चुभती थी, बट अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता है। और क्या बताऊँ आपको भाई, मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है ना इस बाइक के साथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मुझे मतलब एक होता ना कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रॉयल इनफील्ड से, तो रॉयल इनफील्ड में ना तो क्विक शिफ्टर आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ उसके अंदर है ना सिर्फ आपको मोटा मोटा एक जो मेजर चेंज है ना रॉयल इनफील्ड का जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, वो है उसका बल्की लुक, और उसी के साथ उसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना वो लोगों को काफ़ी एक होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर गूगल मैप का इनबिल्ड आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप ऑन द गो गूगल मैप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, जो कि किसी और बाइक में नहीं आता है, मतलब इस कैटेगरी की बाइक में, इस रेंज की बाइक में नहीं आता है। इस बाइक में टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, बट वो KTM के ऐप से ही चलता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी लोगों ने किए नई वाली हिमालयन ली है ना 450, वो लोग परेशान ही हो रहे भाई, क्योंकि यार काफ़ी लोग सेटिस्फाई नहीं है उसकी चीज़ों से, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसके जो इंजन की नॉइस है वो बहुत ज़्यादा आती है, आप हाईवे पर चलोगे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ों का उनको फेस करनी पड़ रही है, वो दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर ये जो आप थोड़ा सा पुल करोगे ना बाइक को, तो हल्का सा टॉर्क में प्रॉब्लम आएगी, बाइक का पिकअप थोड़ा सा लो रहता है, बट थोड़ा सा पिक करने के बाद भाई के ना तूफान बन जाती है, तो ये एक छोटी सी मेजर सी प्रॉब्लम है इसमें, जो कि बोलते हैं कि जितने भी ओनर्स हैं ना KTM ओनर्स सब बोलते हैं कि हाँ हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है, बट ये इम्प्रूव नहीं हुई है अभी तक, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी कोई बाइक के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर कभी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, और बाइक इज़ रियली नाइस, अगर आप KTM लेने की सोच रहे हो तो आप गो फॉर इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक चलाई है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और होप सो आपको भी ना आए। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि KTM 390 एडवेंचर वर्सेस रॉयल इनफील्ड 450 में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते यहीं पर ख़त्म, और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।